नमस्ते विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में तो आज का जो वीडियो है ये हमारा जॉब नोटिफिकेशन सेशन है फॉर योर नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब कि डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए ये जो है नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे एच यू आर एल ने नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज जो है इन्होंने पोस्ट किया है तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एमोनिया ब्रांच के लिए दो कैटेगरीज है ठीक है दो पोजीशन है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट टू इंजीनियर असिस्टेंट वन वैकेंसीज देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में थर्टी है इंजीनियर असिस्टेंट में फोर्टी फाइव अपर एज लिमिट थर्टी यहाँ पे अपर एज लिमिट थर्टी फाइव मिनिमम एक्सपीरियंस फाइव है और यहाँ पे टेन है ठीक है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या तो बीएससी केमिस्ट्री हो या थ्री इयर्स आपके पास फुल टाइम केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो विद मिनिमम फोर्टी परसेंट मार्क लेकिन प्रेफरेंस यहां पे देखिए हर एक पोस्ट में ज्यादा डिप्लोमा को दिया जाएगा वैसे यूरिया के लिए भी यहां पर दो पोस्ट है सेम जैसे कि ऊपर है वैकेंसीज फिफ्टीन है जूनियर इंजीनियर में और इंजीनियरिंग असिस्टेंट में थर्टी है ठीक है तो यहां पे भी सेम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लेकिन प्रेफरेंस ज्यादा जो है वो डिप्लोमा को दिया जाएगा ठीक है ऑफसाइट यूटिलिटीज के लिए तो यहां पे फुल टाइम बीएससी केमिस्ट्री या थ्री ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम यहां पे भी प्रेफरेंस ज्यादा डिप्लोमा को दिया जाएगा वैकेंसीज देख लीजिए 15 है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और 30 है इंजीनियर असिस्टेंट तो यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस जो है फाइव इयर्स चाहिए आपको जूनियर इंजीनियर में और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के हर एक पोस्ट में आपका जो जो आपका एक्सपीरियंस चाहिए दैट विल बी टेन इयर्स ठीक है तो यूरिया हैंडलिंग में इसमें भी आपका थ्री इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल तो ज़्यादातर यहाँ पे केमिकल के लिए ही जो है पोस्ट आए हुए हैं आप देख सकते हो तो यहाँ पे फिफ्टीन है फिफ्टीन है ठीक है अपर एज लिमिट जो है थर्टी थर्टी फाइव और एक्सपीरियंस सेम है मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे दो पोजिशन है तो मैकेनिकल के लिए अच्छा खासा नंबर है जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर असिस्टेंट में इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे देखिए सिर्फ इंजीनियरिंग असिस्टेंट है ठीक है नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 24 है इंजीनियर असिस्टेंट भी 24 है स्टोर के लिए बीए बीएससी बीकॉम चाहिए यहाँ पे ठीक है एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए फुल टाइम बी एस सी इन केमिस्ट्री तो यहां पर वैकेंसीज देख लीजिए आपका जो है और क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन यहां पर भी बी एस सी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फुल टाइम डिग्री चाहिए यहां पर आपका जो है डिप्लोमा डिग्री इन योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ठीक है तो यहां पे जो भी एलिजिबिलिटी के लिए 31 मार्च 2022 को कट ऑफ लिया जाएगा ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग फुल टाइम डिप्लोमा किए हैं, वही लोग यहां पे एलिजिबल है बाकी लोग यहां पे एलिजिबल नहीं है ठीक है जहां पे भी लेटर ग्रेडिंग है वहां पे आपको परसेंटेज का कन्वर्जन का जो है सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को वन ईयर के लिए प्रोवेशन पे रखा जाएगा ठीक है ट्रेनिंग आपका होगा वन ईयर के लिए उसके बाद आपको फुल टाइम बेसिस पे रिक्रूट कर लिया जाएगा तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है ये परमानेंट नोटिफिकेशन है ठीक है अब यहाँ पे रेमुनरेशन का बात तो देखिए यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करके आपका जो है सी है अब सिलेक्शन जो है यहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होगा ठीक है सीबीटी लिया जाएगा आपका तो टेस्ट सेंटर जो होगा इट विल बी ओनली लोकेटेड इन दिल्ली ओनली और कोई कहीं पे भी कोई भी सिटीज में सेंटर्स नहीं होंगे ठीक है तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि आपका जो है टेस्ट कैसा रहेगा तो यहां पे देख सकते एमसीक्यू टाइप टेस्ट रहेगा आवर्स का जिसमें कि हंड्रेड जिसमें सेक्शन वन रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज के फोर्टी मार्क्स रहेंगे जनरल इंग्लिश के टेन मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेन मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के टेन मार्क्स और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के टेन मार्क्स रहेंगे ठीक है तो एटी परसेंट इसका हो गया और सेक्शन टू में आपका ट्रेड टेस्ट होगा ट्वेंटी मार्क्स विद क्वेश्चन रिलेवेंट टू जॉब रिक्वायरमेंट ठीक है तो आपका जो भी जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस रहेगा आप पर्टिकुलर जिस ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे उस जॉब से रिलेटेड आपको ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है तो हर एक क्वेश्चन एक मार्क का रहेगा यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका ठीक है तो आपको अप्लाई कहां से करना है कहां पे अप्लाई करना है और नोटिफिकेशन का लिंक मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ठीक है तो यहां पे जो भी इंपॉर्टेंट हमने जो भी हमारे थे पॉइंट्स इनको हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है तो आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हाँ लास्ट डेट जो है ये ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मे है यहाँ पे अप्लाई करने का ठीक है तो जितना जल्दी अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई ज़रूर कर लीजिए ठीक है तो आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में धन्यवाद